गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कुलदीप मिश्रा, आपके हिंदी सब्जेक्ट का टीचर। आज हम लोग क्लास सिक्स विषय हिंदी के अध्याय दो, यानी जो हम अध्याय दो पढ़े थे, उसमें कुछ विलोम शब्द लिखने के लिए दिए गए हैं, यानी कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके विलोम शब्द हमको बताने हैं। तो आज हम लोग विलोम पढ़ेंगे। विलोम होता क्या है? सभी लोग जानते हैं विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। विलोम का क्या अर्थ होता है? उल्टा या विपरीत। तो अगर कोई पूछे विलोम की परिभाषा क्या है, तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है, उस शब्द को क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं। उस शब्द को विलोम कहते हैं, अर्थात एक दूसरे के उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है? यानी एक दूसरे के उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो हम आज देखते हैं जो शब्द दिए गए हैं, यानी कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, हम उनका विलोम जानेंगे, उन शब्दों के विलोम क्या होते हैं। तो पहला शब्द दिया गया है प्रसन्न। प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम क्या होता है? प्रसन्न का विलोम होता है दुखी। उदास भी हो सकता है। अप्रसन्न भी हो सकता है। प्रसन्न के कई विलोम शब्द हो सकते हैं। प्रसन्न शब्द के कई विलोम शब्द हो सकते हैं। दुखी हो सकता है, उदास हो सकता है, अप्रसन्न हो सकता है, खिन्न हो सकता है। तीन हम लोग जाने। दूसरा शब्द है पुरानी। दूसरा शब्द जो दिया है पुरानी। पुरानी शब्द का विलोम क्या होगा? नई। पुरानी शब्द का विलोम होगा नहीं। अगला कौन शब्द दिया है? पसंद। पसंद, पसंद शब्द का विलोम क्या होगा? नापसंद। ना पसंद। अगला कौन सा शब्द दिया गया है? फायदा। फायदा, फायदा, फायदा का विलोम क्या होगा? नुकसान। फायदा का विलोम होगा नुकसान। फायदा का क्या विलोम होगा? नुकसान। अगला जो शब्द दिया है ज्ञान। ज्ञान, इसका क्या विलोम होगा? अज्ञात। अज्ञात। अगला कौन सा शब्द दिया है? खुशी। खुशी, खुशी, इसका क्या विलोम होगा? गम। गम या नाखुशी भी हो सकता है। अगला कौन सा शब्द दिया गया है? सुंदर। सुंदर,
सुंदर का विलोम क्या होता है? कुरु। अगला जो शब्द दिया है आकर्षण, आकर्षण। आकर्षण का क्या होगा? विकर्षण। आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण। विकर्षण। फिर जो शब्द दिया है मजबूत, मजबूत। मजबूत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कमजोर, कमजोर। कमजोर। और जो अंतिम शब्द दिया है वो है विवेक, विवेक। इसका विलोम क्या होगा? अविवेक, अविवेक। तो आज हम लोग विलोम शब्द जाने। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? उल्टा या विपरीत। कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके विलोम शब्द हमने आज देखा है, जैसे प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम होता है दुखी, उदास, अप्रसन्न। फिर पुरानी, पुरानी का विलोम नई। पसंद, पसंद शब्द का विलोम नाशक पसंद। फायदा, फायदा का विलोम नुकसान। फिर ज्ञान, ज्ञान शब्द का विलोम अज्ञान। खुशी, खुशी शब्द का विलोम सब गम या नाखुशी। अगला जो शब्द दिया है सुंदर, सुंदर शब्द का विलोम कुरु। फिर दिया है आकर्षण, आकर्षण शब्द का विलोम विकर्षण। फिर अगला शब्द दिया है मजबूत, मजबूत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कमजोर। फिर अंतिम दिया है विवेक, विवेक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अविवेक। तो आज हम लोग विलोम शब्द, विलोम का अर्थ जाने, विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, और कुछ शब्द जो दिए गए थे हमारे चैप्टर 2 में जिनके विलोम शब्द हमको बताने थे हम लोग जाने। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।